एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास आइडेंटिफिकेशन मिलते ढूंढो। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे और आप देख रहे हैं जुर्म और जज्बात। दोस्तों, कभी कभी इंसान जज्बात में आकर वो सब कुछ कर गुजरता है जो एक सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब सोच आई मी और माइसेल्फ पर आकर रुक जाती है तो इंसान भले बुरे का फर्क भुला देता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपने फायदे के। दूसरों का हक छीनने वाले कभी ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही किसी और को खुश रख सकते हैं। आज की हमारी कहानी खुदगर्जी में ढले जुर्म की एक ऐसी कहानी है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच ऐसा भी होता है। कैसे, आइए देखते हैं। लोन का एप्लीकेशन अभी तक अटका रखा है मैडम? मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने सब पता कर लिया है, सिर्फ आपके साइन नहीं करने की वजह से सारा मामला अटका हुआ है। मैंने आपको फोन पर ही बता दिया था कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। किसी और बैंक में ट्राई कीजिए, आप जा सकते हैं। देखो मैडम, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा वरना 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 क्या धमकी दे रहे हो मुझे? निकलो यहाँ से, निकलो वरना सिक्योरिटी को बोलकर निकलवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैडम, देख लूंगा आपको। क्या हुआ? तू बैठ, इतना स्ट्रेस क्यों लेती है? ले पानी पी। मैडम का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा काम अटका दिया हमारा। तू अभी के अभी गोडाउन पर आकर मिल। बस बस, मेरा हो गया। अरे अब तू एक नहीं दो है, तुझे तो जम के खाना चाहिए। मैं ऑलरेडी दो लोगों का खा चुकी हूँ, अब ज्यादा खाऊंगी तो मुझे ही परेशानी होगी। इतना केयर करती है तो अपने होने वाले बच्चे की? मेरी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा है तो वो है मेरे माँ बनने का एहसास। पता है, मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने सजा रखे। थोड़े दिन में लीव मिल जाएगी और उसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान अपने होने वाले बच्चे पर दूंगी। मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है पूनम, लेकिन ये शर्मन जैसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना, वो लोग ठीक नहीं है। Thank you.
जी पापा। पूनम बेटे कहाँ तक पहुँची? अरे आ जाओ बेटे, नाक में दम कर रखा है इसने। कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तुम जल्दी आ जाओ बेटे। जी पापा मैं रास्ते में हूँ, मैं जल्दी आती हूँ। अरे आप बर्दाश्त नहीं होता, कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त करूं मैं? औरों के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, एक आप हैं जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बस भी कीजिए, आसपास लोग क्या कहेंगे। तुम चुप रहो। दीपक ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तुमने? देखो दीदी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ये घर तुम्हारा नहीं, ससुराल है तुम्हारा घर। और तुम बीच में हमारे मामलों में बोलती हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा पहली बात तो ये, अगर तुम एक लायक बेटे होते तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात कि बात अगर मेरे मम्मी पापा पर आएगी तो ना मैं सिर्फ बीच में आऊंगी बल्कि बोलूंगी। अब एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुमने पापा के प्रोविडेंट फंड का अमाउंट तो पहले ही निकाल लिया और तुम अपना हिस्सा भी ले चुके हो, कहीं बिजनेस तुम्हारे डूब गए और क्या चाहिए तुम्हें? अरे कितनी बार कहा है मैंने इनको कि इस घर को बेच दो। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि ये घर नहीं बिकेगा। ये घर पापा के खून पसीने से कमाए हुए पैसों का, क्या कभी तुमने सोचा है कि उसके बाद इन लोगों का क्या होगा? अरे कहीं भी जाएं मुझे इससे क्या, और तुम्हें इनसे हमदर्दी है तो अपने घर ले जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अब आइंदा मेरे मम्मी पापा को परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। एक लुगत दीदी तुम्हें। फोन भी नहीं उठा रहे थे, और आपके काम का क्या हुआ? अरे फोन उठा के क्या बोलता पूनम, तुम कहती फिर वही रोना रो रहे हो, तुम्हें बताया तो था वो सोलर प्लांट के बारे में, मेरा दोस्त बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है उसमें, बढ़िया चल रहा है उसका बिजनेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा से तुम्हारे हिस्से में जो आया हुआ पैसा है उसमें थोड़ा दे दो, यही बिजनेस खोल देते हैं। अब ना छोटा मोटा काम करने का मन नहीं कर रहा। नहीं वो पैसे पापा ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए दिए हैं, मैं आपको नहीं दे सकती। ना तो तुम पैसा दे सकती हो ना तुम लोन पास करवा सकती हो, लेकिन बस एक ही रट लगा कर रखती हो, बच्चा बच्चा। अरे इतना ही बच्चा बच्चा तुम्हें लग रहा था तो एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाता, उसके बाद कर लेते प्लानिंग। मूड ही खराब कर दिया। शांत हो जाइए, इतना टेंशन क्यों लेते हैं आप? भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे बाप को बेटी की सुबह कुछ नहीं सूझता, और बेटी को
अपने होने वाले बच्चे के सिवा कुछ नहीं दिखता। अब मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतना टाइम हो गया है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? दमज। हेलो पापा, पूनम अभी तक घर पहुंची नहीं है। वहां आई है क्या? नहीं, यहां तो नहीं है। मैं फोन करता हूं। ये? हाँ, मेरी पत्नी है सर, पूनम। लाइफ बैंक में काम करती है। डेली घर 7 बजे तक तो पहुंच जाती है सर घर। कभी कभी अपने मम्मी पापा के घर जाती है तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 9 बजे तक घर पहुंच जाती है सर। लेकिन कल रात ना तो मम्मी पापा के घर गई और ना ही घर लौटी। तुम लोगों में कोई झगड़ा, बहस या तकरार हुई थी? नहीं सर, 7 महीने की प्रेग्नेंट है सर वो। कभी कभी उसे दमे के अटैक आते रहते हैं सर। मुझे डर है कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो गया हो सर। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आप लोग इत्मीनान रखिए, हम लोग तलाश करेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको देंगे। ओके जी, अब जा सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कमल, 7 महीने की प्रेग्नेंट पूनम, हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो। ये लो, एक काम करो, सारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी सेंटर्स में चेक करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है पूनम ने अपने आप को एडमिट किया हो। सर सारे हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, लेकिन पूनम ने कहीं भी इमरजेंसी में कांटेक्ट नहीं किया। एक जिम्मेदार औरत ऐसे कैसे कर सकती है? हेलो, ठीक है सर, गणपत का फोन था, कह रहा था कि पीसीआर पे जंगल रोड पे लाश मिलने की खबर आई है। गाड़ी घुमाओ, जल्दी चलो। काम करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास आइडेंटिफिकेशन मिलते ढूंढो। सर ये तो पूनम शर्मा है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी इसके पति ने। हाँ, मेरी पत्नी है सर, पूनम। एक्चुअली लाइफ बैंक में जॉब करती है। सर ये नोट मिला है। मैं अपने हालात से तंग आकर अपनी जान दे रही हूं। सात महीने की प्रेग्नेंट है सर वो। कभी कभी उसे दमे के अटैक आते रहते हैं। एक 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी अपनी जान देने के लिए किसी कार के सामने क्यों आएगी? और ये बार बार एक ही टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये एक्सीडेंट भी नहीं है और कोई रैंडम हिट एंड रन केस भी नहीं है। एक काम करो, टायर के सैंपल्स ले लो और फॉरेंसिक्स के लिए भेजो, जल्दी। ओके। एक
पढ़ी लिखी जिम्मेदार औरत जो माँ बनने वाली है वो बीच सड़क में आकर अपनी जान क्यों देगी? और एक लाइन में अपना सुसाइड नोट लिख लिया इसने। मुझे तो इसमें कुछ साजिश की बुआ है। एक काम करो, इसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो। ओके ओके सर। आपकी बेटी पूनम की लाश मिली है। क्या? अरे क्या हुआ? क्या हमारी बेटी नहीं रही? पूनम, पूनम मेरी बच्ची। क्या हुआ माँ? दीपा, तेरी दीदी हम सबको छोड़ के चले गए। अब किससे लड़ेगा तू? पूनम मेरी कहाँ चले गए हम सबको छोड़ के? पूनम कौन सा तनाव या परेशानी थी पूनम को कि उसने 7 महीने में ही सुसाइड कर लिया? नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। बहुत बहादुर थी, ऐसा कायरतापूर्ण कदम कभी नहीं उठाएगी वो। उसने अपने होने वाले बच्चे को लेकर न जाने कितने सपने देखे, कितनी प्लानिंग की थी, सब तरीके धरी रह गए। सच तो यह है कि पूनम ने एक सुसाइड नोट लिखा है। अब कोई ना कोई बात तो जरूर हो। क्यों? सच तो ये है सर कि पूनम को अपने मायके वालों से परेशानी थी सर। उसे आए दिन दीपक के झगड़े निपटाने के लिए आना पड़ता था। मुझे लगता है सर इसी से तंग आकर के उसने आत्महत्या की होगी। क्या मेरी वजह से? सर सच तो ये है इसने पूनम की जिंदगी खराब कर रखी थी। ये आए दिन शराब पीकर उसको परेशान करता था, ना कोई काम ना कोई काज। और तू तू उसे घर बेचने की जिद कर रहा था, उसका क्या? और उसे तू अपना हिस्सा भी मांग रहा था। तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी। अरे ये गड़ियाली आंसू बहाना बंद कर सर। मैं तो कहता हूं उसको ले जाओ, अच्छे से कूटो, ये सब सच सच बताएगा। क्या कहा तूने? हाँ सही बोला। बस 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 छोड़ो। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो हम लोग पता लगा लेंगे। फिलहाल पुलिस की तहकीकात में बाधा ना डाले तो बेहतर। ये आपके लिए भी है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। सबसे पहले बैंक से पूनम की राइटिंग का सैंपल निकालो और उसे फॉरेंसिक्स के लिए भेजो, और ये पता करो कि सुसाइड की नोट में जो राइटिंग है वो वाकई में पूनम की है या नहीं। सर बैंक से उस जगह का फासला कम से कम 5 किलोमीटर का है, मतलब वहां तो पैदल नहीं गई होगी। एक काम करो, वहां के आसपास की जितने भी सीसीटीवी सोर्सेज है उसको अच्छी तरह खंगालो। सारी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और आसपास में अच्छे से पूछताछ कर लेना। ये गाड़ी किसकी है? दीपक की। दीपक। यस। गाड़ी खोलो। ओके। गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी। जी सर। मगर क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे। मैंने पता किया सर, अतुल के पास तो कार नहीं है। हम पूनम की पर्सनल लाइफ को तो तलाश कर रहे हैं,
लेकिन क्या प्रोफेशनल लाइफ में उसे किसी प्रकार का तनाव था? सर, पूनम के काम करने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी और इसीलिए बैंक की चाबियां भी उसी के पास रहती थी। लेकिन एक शर्मन नाम के आदमी से उसका झगड़ा हुआ था और शर्मन ने उसे धमकाया भी था सर। देखो मैडम, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना। वरना क्या? धमकी दे रहे हो मुझे? निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैडम, देख लूंगा आपको। एक बात और है सर। ये क्या पूनम, तू अपनी सारी जमा पूंजी का नॉमिनी अपने पति को हटाकर अपने पापा को बना रही है? अतुल का कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने पहले ही मेरे 5 लाख रुपए जुए में उड़ा दिए और मुझसे झूठ बोलते रहे। उनसे तो कोई बड़ा काम होने से रहा, ये पैसे मेरे होने वाले बच्चे की अमानत है, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो पापा के पास सेफ रहेंगे। और अगर ये बात अतुल को पता चल गई हो तो शायद उसने, और शर्मन वाली बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस तरह क्यों रोका गया? लोगों को धमकाने का बहुत शौक है तुम्हें, और धमकी से बात नहीं हुई तो लोगों को मार देना। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? किस किस को धमकाते फिरता रहता तुम? मैं पूनम शर्मा की बात कर रहा हूँ। पूनम शर्मा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बात सही है कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन मैं भला किसी को जान से क्यों मरवाऊंगा सर? ये तो पुलिस के तहकीकात में पता चलेगा। कमल, कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स अपनी गट फीलिंग्स और मौका वारदात से मिले सबूतों को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि जुर्म का असली चेहरा कुछ और है। मुजरिम बड़ी प्लानिंग के साथ जुर्म करता है, लेकिन पुलिस को मौके की नजाकत भी समझ आती है और पेचीदगी भी। उन्हें समझ आता है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। पूनम की लाश के पास भले ही सुइसाइड नोट मिला हो, लेकिन आत्महत्या का तरीका कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, और इसी बात का शक पुलिस इंस्पेक्टर को भी हो चुका है। जरा सोचिए, जो औरत अपने होने वाले बच्चे के लिए दिन रात फिक्र करती थी, वो इस तरह अपने साथ साथ उसकी जान कैसे ले सकती थी? लेकिन सच क्या था? पूनम ने क्या वाकई आत्महत्या की थी, या मामला कुछ और ही था? क्या पुलिस इंस्पेक्टर की गट फीलिंग और इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही थी? वक्त के साथ साथ पुलिस को भी सवालों के जवाब मिलने लगे। आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। कमल, हमारा शक बिल्कुल सही था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया है कि सुसाइड नोट की जो हैंडराइटिंग है वो पूनम की नहीं है, और पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट से यह भी पता चल गया है कि एक ही कार से बार बार पूनम को कुचला गया है, जिससे उसका रिबकेज डैमेज हो गया और साथ में बच्चा भी मर गया। जी सर, हमारे शक को यकीन का आधार तो मिल गया है, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि वो हैंडराइटिंग किसकी है, और वो टायर के निशान किस कार के हैं? मतलब किसी ने प्लानिंग करके पूनम को मार दिया। कमल, एक काम करो, हमारे शक के घेरे में जितने भी लोग हैं ना, उन सब से उनके हैंडराइटिंग में एड्रेस लिखवाओ और वो हैंडराइटिंग फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजो। सर, शर्मा का पार्सल है। पार्सल? थैंक यू। दामयंती, अरे देखो ये पार्सल।
किसका पार्सल है ये? जी मम्मा, इसे मेरे रूम में रखवा देना। अरे अभी से आपके होने वाले नातों के लिए सारा सामान जमा कर रही हूँ, रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा, इसीलिए आप गुस्सा मत करना। क्या लगता तुमको क्या हुआ होगा पूनम के साथ? ये सब ना सर, उस अतुल का कसूर है। अरे अभी पिछले संडे की बात है, देखिए ना भाई साहब, मेरी पूरी मेहनत की कमाई इन्होंने कहीं और लुटा दी और चोरी का बहाना बना रहे हैं। देखो अतुल, ये जो रोज रोज की किचकिच और तनाव है, ये पूनम और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा बच्चा बच्चा, साला दुनिया में पहली बार ही पूनम पैदा कर रही है क्या? बच्चा? हाँ, मैंने पैसे लिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए थे बिजनेस के लिए, नहीं थे मेरे पास, 5 लाख रुपए लगा दिए मैंने जुए में, हार गया। और बोलो, लेकिन वो पैसे तो, हाँ पता है, प्लॉट के पैसे थे, इसका प्लॉट मेरा प्लॉट, ठीक है, पूनम का पैसा मेरा पैसा। देखिए जीजा जी, पति पत्नी के बीच में क्या तेरा क्या मेरा। अरे पूनम, पूनम ये लो पप, पूनम तुम इस नशेड़ी के चक्कर में अपने आप को परेशान मत किया करो, वो तो इतने नशे में है कि मेरी बात समझेगा नहीं, लेकिन मैं उसे बाद में जरूर समझाऊंगा। तुम प्लीज अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पूनम को आज तक अतुल से किसी भी तरह का कोई सुख नहीं मिला सर। ये गाड़ी तुम्हारी है? जी। खोलो। है। सर ये तो लाइफ बैंक की चाबियां हैं। सर ये मेरी चाबियां नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कहाँ से आई। अभी कुछ समय पहले अतुल मुझसे ये कार लेके गया था, उसी की चाबियां आई। मारो बस सर मुझे, मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मुझे पता चल गया था कि पूनम ने मेरा नाम नॉमिनेशन से हटा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया पूनम। अरे तुम्हारे पैसे बैंक से निकालकर मुझे देने की बात कर रहा था मैं, और तुम्हें के नॉमिनी बदल रही हूँ। अब इतना इशारा काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ना मेरे जीते जी तुम्हें कुछ मिलेगा और ना ही मेरे मरने के बाद, और मेरे पिता के खून पसीने की मेहनत की कमाई तुम्हारे जुए में उड़ाने के लिए नहीं है।
मुझे गुस्सा आ गया था सर, इसलिए मैंने पूनम का नाम खराब करने के लिए चाबी मैंने सागर की गाड़ी में छुपा दी सर। जिस रात पूनम का मर्डर हुआ उस वक्त तू कहां था? मैं तो उत्तम नगर में था सर। आप क्यों मार रहे हैं मुझे? पूनम की लाश भी उत्तम नगर से ही मिली थी। अब सच सच बता वरना। सर मैं सब सच बता रहा हूं, मैं उत्तम नगर में शराब पीने गया था सर। मैं क्यों मारूंगा, मेरी बीवी थी साहब। मैं मानता हूं कि हम पति पत्नी में अनबन थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी सर कि मैं उसकी जान ले लूंगा। सर पूनम की मौत वाली रात यानी 3 तारीख को मौकाए वारदात की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। और सर ये वो कार है जो पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस में नजर आई है, आते हुए भी और जाते हुए भी। ठीक है, एक काम करो, कार के ओनर का पता लगाओ और टायर के निशान भी मैच करके देखो। ओके सर। हाँ? सर ठीक है बोलो। सर आरटीओ की जानकारी के मुताबिक ये कार देवेंद्र शर्मा की है और फॉरेंसिक वालों ने उसके टायर के निशान हमारे दिए हुए टायर के निशान से मिलने की कंफर्मेशन भी दी है। सर सर सुनिए सर, सर बात क्या है, मैंने किया क्या है? पूनम शर्मा के मर्डर के जुर्म में तुझे गिरफ्तार कर रहा हूं मैं। बड़ा अंदर चल। डर ये लीजिए सर। सर ये लीजिए। सर ये वही हैंड राइटिंग है जो पूनम के सुसाइड नोट से मिली थी। बेदर्दी से पूनम और उसके होने वाले बच्चे को तुमने मारा, क्यों, कहानी क्या है? मैंने नहीं मारा पूनम को। एक मिनट, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम तुम तक पहुंचे कैसे। यह कार मुझसे 3 तारीख की रात को नंदिता मैडम लेकर गई थी। एक मिनट, कौन नंदिता? मेरी पत्नी की फ्रेंड ने मिलवाया था, वो आकाश विहार में रहती है, मेरी बेटी को ट्यूशन देती है। एक मिनट, ये है वो? हाँ यही है। नंदिता की हैंडराइटिंग मैच करने की कोशिश की लेकिन वो हुई नहीं, और देवेंद्र की भी नहीं हुई, हो सकता है ये शायद उसकी बेटी की हो। एक काम करो, तुम कुरियर वाले के भेस में जाओ और उसकी बेटी का सैंपल लेके आओ। जाओ। केस मजबूत करने के लिए हम पुलिस वाले कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ते मैडम। सच सच बता दो, तुम्हारा सारा का सारा प्लान हमारे सामने है, बोलो। मेरे सास ससुर मेरे पति दीपक के साथ सौतेला व्यवहार करते थे,
पूनम को चोरी छुपे पैसे दे दिया करते थे। ये लो बेटे, रख लो। नहीं पापा, मैं ये नहीं ले सकती। अरे ये तुम्हें थोड़ी दे रहा हूँ, हमारे होने वाले पोते के लिए। यदि तुम नहीं लोगी तो वो नालायक दीपक छीन ले काम से। बेटी को प्यार और बेटे को धुतकार ही मिलता था इस घर से। तुम्हें जितने पैसे देना चाहिए थे उससे ज्यादा दे चुका हूं मैं। और सुनो, घर बाकी का बैंक बैलेंस भी मैं पूनम और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दूंगा। कम से कम तुझसे छुटकारा मिलेगा। तंग आ गई थी मैं पूनम का नाम सुन सुनकर। पूनम 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 कहने को तो हो गई थी वो इस घर से विदा, लेकिन पापा मम्मी पूनम सिर्फ पूनम ही दिखाई देती थी उनको। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था इस घर का। हर रोज पापा पूनम को बुलाकर मुझे और दीपक को जलील करते थे, इसलिए मैंने इरादा कर लिया था। करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। एक बहुत अच्छा कॉर्नर का प्लॉट मिला है, मेरे भाई साहब है ना, उन्होंने मुझे बताया था, मगर शायद उन्हें तो लेना नहीं है। मैंने सोचा तुम बहुत वक्त से प्लॉट के लिए कोशिश कर रही हो तो तुम्हें बता दूं, मुझे तो बहुत पसंद आया है। चलो आओ तुम्हें भी दिखा देती हूँ। ठीक है चलते। आगे चलो, मैं गाड़ी साइड में लगा कर आती हूँ। ठीक है। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने अपनी स्टूडेंट से सुसाइड नोट लिखवाया था और उसके पापा से कार भी ली थी ताकि कोई भी मुझ तक ना पहुंच पाए। पिता के पैसे ना देने पर बेटी की हत्या कर दी, इतना नफरत क्यों? दीपक बाप नहीं बन पाया था पर पूनम माँ बन रही थी, इसलिए मम्मी और डैडी का रुझान पूनम की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर पूनम को रास्ते से हटा दिया जाए तो उनका सारा माल हमारा हो जाएगा। मैं ये भी जानती थी कि पूनम ने अपने सारे पैसे का नॉमिनी डैडी को बनाया है। हम डैडी पे प्रेशर डाल के उनसे वो पैसे भी ले लेते। मैंने ये सब दीपक के लिए किया।
तुमने एक नहीं दो दो हत्याएं की है। ये तुम्हारे अंदर पनप रही खुदगर्जी की भावना या तो तुम्हें उम्र कैद या फांसी की सजाएं दिलवाएगी। और रही बात तुम्हारे इस निकम्मे पति के लिए जिसे तुमने पूनम का कत्ल किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इंसान अपनी मेहनत और लगन से कामयाब होता है, ना कि अपने मां बाप की दौलत की बैसाखियों से सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। मां बाप के पैसों को जाया करना कुछ औलाद अपना हक समझती है। वो उनकी मेहनत से इंस्पिरेशन तो नहीं लेती बल्कि उसकी जगह उन्हें उन्हीं के घर से बेघर कर देती है। माँ बाप की दौलत पर औलाद का हक है, लेकिन इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना, कोर्ट कचहरी में जाना गलत है। किसी दूसरे के दम पर अपनी जिंदगी को संवारने का ख्वाब देखने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। इस कहानी में भी पूनम का पति अतुल, पूनम का भाई दीपक और नंदिता यही ख्वाब देख रहे थे। दीपक अपने हिस्से से कहीं ज्यादा ले चुका था। उसके हाथों शुरू हुए कारोबार एक बार नहीं कई बार ठप हो चुके थे। उसने खुद को संभालने की जगह पूनम और परिवार पर रोना शुरू कर दिया। इसी वजह से नंदिता के मन में पूनम को रास्ते से हटा देने के खौफनाक विचार आने लगे। जज्बात कितने भी नेक हों, लेकिन जुर्म की चादर में लिपटे हों, तो अंजाम जेल की सलाखें ही होती हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है तो आत्मचिंतन करो। इस गलत की वजह कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं। इसी विचार के साथ आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।